नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के लिए वोटिंग जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच 62 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और सीपीआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा सभी धर्मों के लिए बने दो बच्चों का कानून, नहीं तो बेटियों के लिए पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे हालात। दिल्ली पर आतंकी हमले का खतरा मंडराया, आईबी और गृह मंत्रालय ने जारी की 3 नोटिफिकेशन, संसद समेत कई खास जगहों को बनाया जा सकता है निशाना, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी लग सकती है आईपीएल खेलों पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीसीसीआई से पूछा पानी की कमी है तो मैच क्यों कराया जा रहा है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन ने बढ़ाए कदम, बातचीत के जरिए निकाला जाए हल, एनएसए अजीत डोभाल और यांगयांग जीची ने सालाना वार्ता के दौरान किया फैसला। आईपीएल 9 में मुंबई इंडियंस की जीत, बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया, रोहित शर्मा की कप्तानी पारी ने दिलाई जीत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहां है खबरें लगातार।